तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि तसव्वुर से कल्पना से लिखा जा सकता है पर उसमें जान हो ये जरूरी नहीं। तसव्वुर से जो भी चीज लिखी जाती है ना उसमें जान नहीं होती, वो तो हल्की बेजान आपको लगेगी क्योंकि जान तो यहां से आती है ना, जिगर से, है कि नहीं? वो एक एक बात पे रोने लगा था समुंदर बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस भी होता है इसका। ऐसा नहीं है कि लिरिक्स राइटिंग सीखी नहीं जा सकती, लिरिक्स राइटिंग को सीखा भी जा सकता है। उसके आप छंद सीखो, वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होने, वर्ड्स का मीटर क्या है, लेकिन थॉट्स कहाँ से लाओगे? थॉट्स तो मंथन करके ही आता है और वो अनुभव से आता है, जीना पड़ता है। चीज़ों को लिखने के लिए जीना पड़ता है। इश्क लिखना है तो तसव्वुर से नहीं लिख सकते, यानी ख्यालों से, कल्पना से नहीं लिख सकते। लिख सकते हो लोगों को पढ़ पढ़ के, भाई अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ो तो उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन बातों को फिर बदल करके लिख दो, ये भी तरीका है। लेकिन महसूस कहाँ से करोगे? आपके शब्दों में वो एहसास नहीं आते हैं जब तक वो एहसास यहाँ से नहीं निकले होते हैं। जब तक आपके यहाँ से नहीं निकले हैं तब तक उनमें असल बात नहीं पैदा होती, वरना वो हैं। ऐसा नहीं है, मैं लिखने को तो बिना इश्क किए भी, बिना प्रेम किए भी मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ क्योंकि पढ़ा, भाई जैसा पढ़ा उसमें शब्द ही तो फिर बदल करने, और क्या करना है, और लिख दिया, कॉपी करके लिख दिया एक और चीज़, है ना। अगर मेरे अंदर देशभक्ति की भावना ही नहीं है तो मैं लिखने को तो लिख सकता हूँ कि मेरा भारत महान, लिखने में क्या जा रहा है, शब्द हैं ये लो, लिख दिया कलम से, मीटर में बिठाना, ये मेरा भारत महान, ये लिख दिया, इसमें गाना भी बना दूंगा मैं, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। लो बन गई धुन, बन गया एक नया गाना, है ना। शब्द लिए, शब्द फिट किए, धुन ली, ताल ली, लय ली, रिदम बिठाई, मूड बिठाए, बन गया गाना। लेकिन इधर से अगर नहीं निकले ना वो शब्द तो वो हमेशा नहीं रहते हैं। जिसने लिखा होगा ना कि यार मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, वो वतन के लिए रोता होगा, वही व्यक्ति ऐसी लाइन लिख सकता है, तभी तो आज तक चल रहा है वो। जिस व्यक्ति ने वो लाइन लिखी है ना, उससे पूछो जाके। एक मेरे पिताजी, एक पिताजी ने हाल ही में एक लाइन लिखी, मैं आपको सुनाता हूँ। जब मैं उनको उन्हीं की लिखी कुछ गज़लें सुना रहा था, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, एक छोटी सी महफिल हमारी, हम दो चार लोग ही थे, तो मैंने उन्हीं की लिखी कुछ गज़लें उन्हीं को सुनाई, तो उनके मुँह से ये शेर निकला कि पता नहीं चलता मैं वाह करूँ या आह भरूँ, पता नहीं चलता मैं वाह करूं या आह भरूं, गीत लिखे मेरे हैं मैं कैसे सुन लिया करूं। खुद ही के लिखे हुए गीत सुने नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो एहसासात से लिखे हैं, पूरा इमोशन देकर। अगर उन्होंने गाय के ऊपर गीत लिखा है कि गौ माता की रिस्पेक्ट पर और कैसे उनका कत्ल होता है और कैसे उनको बेचा जाता है काट काट कर, उनकी इज्जत नहीं की जाती क्योंकि हमारे धर्म में हम इतनी इज्जत कर रहे हैं उस जीव की क्योंकि माँ मानते हैं हम उसको, उसके साथ ये सब हो रहा है, तो वो जब उन्होंने लिखा तो वो खुद उनको सुन नहीं सकते, लिखने के बाद वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि पढ़ते ही वो सारा भाव जो है दोबारा मन में आ जाते हैं, तो वो उमड़ पड़ता है भाव, है ना। तो एक राइटर जो एक शायर होता है वो खुद के गीत कैसे गाए, है ना। जैसे एक उन्हीं का लिखा हुआ इसी टॉपिक पर एक गीत है, नारे गाते गाते रो पड़ता हूँ, गाते गाते रो पड़ता हूँ, गीत मेरे मैं खुद लिखता हूँ, गाते गाते रो पड़ता हूँ, सुन लेना तुम भी रो दोगे चुपके से, आंसू पूछोगे दर्द भरा ऐसा लिखता हूँ, गाते गाते
रो पढ़ता हूँ। योनी का लिखा गीत है, मेरी कॉम्पोजिशन है कुछ अभी 2 साल पहले की, है ना। तो ऐसा हो जाता है जब वो राइटर खुद लिख रहा है और जो वो भाव महसूस कर चुका है, तो वो देखिए उनमें कैसा, तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि तसव्वुर से, कल्पना से लिखा जा सकता है, पर उसमें जान हो ये जरूरी नहीं। तसव्वुर से जो भी चीज लिखी जाती है ना, उसमें जान नहीं होती, वो तो हल्की बेजान आपको लगेगी क्योंकि जान तो यहां से आती है ना, जिगर से, है कि नहीं भाई। रोबोट तो बना सकता है ना, इंसान एक नया जीव बना सकता है रोबोट से, जान कहां से डालेगा उसमें। जान तो भाव डालते हैं ना, एक इंसान और एक मशीन में यही तो फर्क है। सब कुछ वो भी कर सकता है, सब कुछ हम भी कर सकते हैं, पर वो भले ही हमसे ज्यादा चीजें कर पाता हो, पर उसमें वो नहीं है जो हम में है, वो है भाव, एहसास, ये चीज़।